नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। प्रदेश और देश में फेमस माता रतनगढ़ मंदिर नवरात्रि के उपलक्ष्य में सुंदरता हेतु लाइट और टेंट की व्यवस्था। टेंडर गुरुवार की देर रात जनपद पंचायत सभा कक्ष में SDM अनुराग निगवाल की अध्यक्षता में सहमति तहसीलदार साहिल खान, पुलिस SDOP उपेंद्र दीक्षित, नायब तहसीलदार कल्पना कुशवाहा दीक्षित की सहमति से टेंडर हुआ, जिसमें 7 निविदाओं के टेंट और लाइट की मूल दरें आई थी, जिसमें कम मूल दर को टेंडर दिया गया। आपको बता दें, आने वाले नवरात्रों की व्यवस्था हेतु श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए लाइट और टेंट की व्यवस्था होगी। सेवड़ा से रामबाबू जाटव की रिपोर्ट। सर, जो लाइट एंड टेंट जो का टेंडर हुआ सर आज, तो उसको सर थोड़ा बताएं। आने वाले रतनगढ़ माता के ध्वज मेले के संबंध में पिछले एक वर्ष से हम लोग टेंडर को मार्च उपरांत कोरोना के कारण दो बार प्रयास करने के बावजूद पूरा नहीं कर पाए थे। उसके अर्जेंसी क्लॉज में हम लोग एक्सटेंड कर रहे थे, परंतु अब हम लोगों ने माता मंदिर के लिए दो ठेके, एक पार्किंग ठेका और एक लाइट टेंट विद्युत इत्यादि सेवाओं के लिए ठेकों की निविदा जारी की थी, विज्ञप्ति जारी की थी। उस विज्ञप्ति के पश्चात आज 30 सितंबर को हम लोगों ने जो बिड ओपन की है, उसमें 7 निविदाएं प्राप्त हुई है टेंट और लाइट के संबंध में। उन 7 निविदाओं में से जो न्यूनतम दर था वो यादव टेंट हाउस सेवड़ा, जिसका कि 81 रुपये प्रतिदिन, एवं दूसरे नंबर पर जो निविदाकार थे वो थे यादव टेंट हाउस एंड सप्लायर सेवड़ा, जिन्होंने 144 रुपये प्रतिदिन में अपने रेट्स हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। तो न्यूनतम रेट 81 रुपये होने के एवज में आपका यादव टेंट हाउस जो है उनको हमने 3 दिन का समय दिया है अनुबंध करने के लिए। इसी के साथ जो आपका पार्किंग का ठेका था, उस पार्किंग के ठेके में सिर्फ 2 निविदाकार होने के कारण हम लोगों ने फिर से एक बार रीटेंडरिंग का निर्णय लिया। जी, जो पिछली बार और भी होगी जो वो उसकी डेट बताइए सर, उन लोगों को कैसे पता चलेगा? नहीं, क्या कह रहे हैं? चूँकि 7 तारीख से, 7 अक्टूबर से नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम लोगों ने अर्जेंसी में विद इन 5 डेज के लिए रिटेंडर हम लोग करेंगे। सर, कई लोगों का कहना है कि सामग्री जैसे कम होगा वहाँ पर गिनती में, हम लोगों का टेंडर एकदम क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए उनका रेट दर इसीलिए कम है, और हिंदी में नहीं लिखा थोड़ा सर, अंकों में नहीं लिखा, इस तरीके से थोड़ा उसके बारे में सर फॉलो कर। नहीं, इस तरीके की कोई समस्या नहीं थी। उन लोगों का ये कहना है कि जो टेंडर भरा है 81 रुपये भरे उन्होंने, शब्दों में भी लिखना होना चाहिए और हम लोगों को उसकी मतलब फोटो कॉपी भी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और लोगों ने जो डाले यहाँ आवेदन वो नहीं, अभी जितने भी निविदाकार थे सभी समिति के सामने उपस्थित थे, उन लोगों ने जिस प्रकार से जो जो बातें बताई गई थी उन लोगों ने पूर्ण किया।